ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मंडी सर्किट हाउस में जन समस्याएं सुनने के उपरांत कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश निर्धन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है सही लोगों तक सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचे। सरकार लोगों की आज की जरूरतों पर ध्यान देने के साथ ही भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य पर जोर दे रही है। वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मंडी सर्किट हाउस में जन समस्याएं सुनने के उपरांत कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश निर्धन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सही लोग तक सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचे। सरकार लोगों की आज की जरूरतों को ध्यान देने के साथ साथ भविष्य के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने लोगों की अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि गांवों में सड़कें, बिजली, पेयजल और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की मजबूती और विस्तार पर बल दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा को और बेहतर बनाने पर भी कार्य चल रहा है और जल्द ही HRTC में बड़ी तादाद में ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी ताकि ग्रामीण रूटों पर पर्याप्त बसें चलाई जा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने जरूरतमंद लोगों को दी जाने वाली 750 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 850 कर दिया है और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को पेंशन अब बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी है। मीटिंग यहाँ पर हुई है और ये मीटिंग विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबरशिप कैंपेन प्रारंभ हो गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हमको हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 और अतिरिक्त सदस्य बनाने हैं और उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन 10,000 का मिनिमम टारगेट है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पिछली बार हमारी मेंबरशिप थी वो लगभग 13 लाख से अधिक थी और इसलिए इस मेंबरशिप को हम और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से जनता ने अपार समर्थन दिया है, इसलिए पुराने कार्यकर्ता तो हैं लेकिन नए लोग बहुत से पार्टी में जुड़ने वाले हैं, इसलिए कैंपेन हमारा लगातार चलने वाला और इस कैंपेन के माध्यम से बहुत से नए लोगों को पार्टी की सदस्यता हम देने वाले हैं। अभी ये बहुत दुखद घटनाएँ हुई है लेकिन इसके बाद ये कि हमने अब ये तय किया है कि 25% तक जो है ओवरलोडिंग जो है हो सकती है और उसमें कोई केरल ने एक रिसर्च भी किया है कि 25-30% तक हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से उसमें जो सावधानी की बात है कि भाई छत पर लोग ना हो, यानी पीछे बस पे लटकने वाले ना हो, फिर जो ड्राइवर है ड्राइवर के आसपास का इलाका जो है वो खाली रहे ताकि ड्राइवर को कोई असुविधा ना, तो इसलिए हमने सबको आदेश कर दिए हैं और अभी लगभग काफ़ी स्मूथ चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अभी कुछ और कमी रही है उसको हम पूरा कर रहे हैं और जहाँ पर बहुत कमी थी वहाँ पर हमने एडिशनल रूट्स की भी व्यवस्था की है, लेकिन इसका परमानेंट जो समाधान है वो करने की हमको बहुत आवश्यकता है। तो हिमाचल प्रदेश में यानी इस तेज़ी से जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब 2018 में हमने 132 नए रूट प्रारंभ किया, नई सड़कें बनी और लगभग 22,281 किलोमीटर, तो इसलिए यहाँ पर सुविधा और बढ़ाने की आवश्यकता और अभी हमने ये फैसला लिया है सरकार ने कि हम बसेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने कुछ रूट और नोटिफाई किए हैं तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसके अतिरिक्त हमने ये भी कहा है कि RM लेवल पर भी कुछ टेंडर हम इनवाइट करेंगे जिसमें स्थानीय लोग जो HRTC के रूट पर चल सकते हैं और फिर वो HRTC का नाम होगा ताकि उसमें छोटी मैक्सी कैब इस तरह की गाड़ी की व्यवस्था हम कर रहे हैं और वो बहुत जल्द हम इन टेंडर को करेंगे और जिससे लोकल लोग उसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छी सेवा लोगों को देंगे।